और हमारे सीनियर के बीच या कोई अन्य कर्मी के बीच, स्वास्थ्य कर्मी के बीच असामान्य का व्यवहार नहीं किया जाए, हमें सामान्य का दर्जा दिया जाए। हम वहाँ आएंगे अपने HSC पे, फिर फेस अटेंडेंस देंगे, फिर जाएंगे, फिर दोपहर में अटेंडेंस लगाने के लिए आना, ये संभव है? सामान्य काम सामान्य वेतन किया जाए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, सदर अस्पताल में सिविल सर्जन से मिलने के लिए जो संविदा कर्मी है वो आज पहुंच गई है और दर्जनों की संख्या में है, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मांगे। एक्चुअली हमारे बिहार स्वास्थ्य समिति और हमारे सिविल सर्जन महोदय से यही मांग है कि हमारा मतलब फेस अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम, मगर हमारा सामान्य वेतन और सामान्य काम के अनुसार वेतन हमारा मतलब कि पूरा किया जाए। हमारा यही मांग है सरकार से कि हमें हमारे बीच और हमारे सीनियर के बीच या कोई अन्य कर्मी के बीच, स्वास्थ्य कर्मी के बीच असामान्य का व्यवहार नहीं किया जाए, हमें सामान्य का दर्जा दिया जाए और हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, सामान्य काम सामान्य वेतन किया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ वो जूनियर ये सीनियर आप कॉन्टेक्ट पे, काम तो आखिर हम लोग तो वही करते हैं ना जो वो लोग करते हैं। हम लोग को फेस अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ड्यूटी से हम लोगों को प्रॉब्लम, मगर 12,000 सैलरी में, 10,000 सैलरी में, 10,000 12,000 सैलरी में और एक छोटे से बच्चे को लेकर हम लोग कैसे जॉब करेंगे? कैसे 10,000 रुपए में हम अपना पेट पाले, बच्चों का पेट पाले या घर से दूर रह के हम फ्लैट लेके रहे, कैसे रहे? हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारा अनुरोध है सिविल सर्जन सर से, DHS ऑफिसर से, प्रभारी सर से और मंगल पांडे सर से, बिहार स्वास्थ्य समिति सर से, सब लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, और NHM से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा असामान्य का व्यवहार नहीं किया जाए और कानून को यह हटाया जाए और कानून को हटाने के साथ हमारा सामान्य दर्जा दिया जाए, बस हमारा सामान्य वेतन किया जाए। मांग है कि ये फेस अटेंडेंस हम लोग नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे जगह पे हम लोगों का काम करने जाते हैं जहाँ यातायात की सुविधा ही नहीं रहती है, ना बिजली है, ना व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, हम 9 से 5 बजे तक कैसे काम कर सकते हैं? मोबाइल हम लोगों के पास मिलता नहीं है, अच्छा कार्यकारी का लेने का इशू रहता है, कैसे करें? और 4 महीने 5 महीने तक हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, करते हैं उसके बाद भी काम करते हुए भी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको एब्सेंट हो जाएंगे ना, काम तो हम कर रहे हैं। अगर फेस अटेंडेंस लगाने के लिए हम लोग को कहा जाता है तो अपनी सेंटर के लोकेशन दिया जाएगा, जो कि संभव नहीं है। हम लोग RI करने के लिए दूसरे छोर में जाते हैं तो वहाँ से तीसरे टाइम में हम लोग आके वहाँ पे कैसे अटेंडेंस लगाएंगे? और फिर वहाँ से जाना, उसमें भी 3 टाइम अटेंडेंस लगाना है और वो भी थोड़ी व्यवस्था की जा रही है कि अति वाले को जिसको ज्यादा वेतन है ज्यादा मान्य दिया जा रहा है उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हम संविदा वाले के लिए ही रूल रेगुलेशन क्यों होता है? NHM कर्मी के लिए ही क्यों है? हम लोग मोतीपुर से, हम लोग सरैया ब्लॉक से। आप लोगों को फेस अटेंडेंट का लगाने के लिए कहां बताया जा रहा है, कहां पे लगाना? हम लोग को अभी तक जो जानकारी मिली है, जो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप लोग के सेंटर का ही लोकेशन दिया जाएगा जो 500 मीटर या 50 मीटर के अंदर रेंज में रहेगा। और हम लोग का क्षेत्र का जो काम है, जो आंगनवाड़ी केंद्र पे जाके करना है, जो एक आंगनवाड़ी केंद्र हमारे 2 HSC से 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ के सारे सामान लेके हम वहाँ आएंगे अपने HSC पे, फिर फेस अटेंडेंस देंगे, फिर जाएंगे, फिर दोपहर में अटेंडेंस लगाने के लिए आना, ये संभव है? कहाँ से ये संभव है? किस दिमाग से उन्होंने ये हम लोग को दिया गया जो फेस अटेंडेंस लगाना है सिर्फ NHM वाले को ही? क्यों सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज सिविल सर्जन से मिलने के लिए गया, क्या कुछ सिविल सर्जन से मिलने में अभी ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला है, बस बोले हैं सर कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है, आप लोग का कोई सुनवाई नहीं मिला। हाँ, आश्वासन नहीं मिला संतोषजनक, और हम लोगों को एक लेबर से भी कम पेमेंट दिया जाता, अगर दिहाड़ी की भी बात करें नरेगा चाहे कुछ भी, इस कारण हम लोग मंडे से अपना काम बाधित करते हैं, हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, मंडे से काम बंद करेंगे, ना बंद करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग आज से ही यहाँ, आज सारे दिन यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग का सुनवाई नहीं ली जाएगी अनिश्चित काल में, काल रहेंगे। कौन कौन प्रखंड से आप लोग आए हैं? हम लोग 6-7 प्रखंड से आए हैं, कुरहनी से आए हैं, उसके बाद हम लोग पारू से आए हैं, सरैया से, मोतीपुर से, गायघाट से, सारे लोग ब्लॉक से आए, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, जो आप लोग सभी मंडे को सभी 16 के 16 ब्लॉक यहाँ पर पहुँचे तभी हम लोग की बात में मजबूती आएगी, तभी सुना जाएगा, नहीं तो हम लोग इधर से इधर होते रहेंगे 2-4 ब्लॉक वाले, इसका कुछ सुनवाई नहीं हो। समान काम समान वेतन,
मिलना चाहिए हम लोग को काम, सामान वेतन और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग काम करने के लिए तैयार है लेकिन सामान वेतन चाहिए, नहीं तो सोमवार से हम लोग कोई किसी को भी काम नहीं करने देंगे, या चाहे जो भी हो, हमसे ऊपर हो हमसे नीचे हो किसी को नहीं काम करने काम नहीं करने देंगे। नहीं नहीं हड़ताल पे चले जाए, हड़ताल पे आज से ही है। हम लोग सोच रहे हैं कि सभी NHM हड़ताल पे जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं इसीलिए, क्योंकि हम लोग का मनोकामना जब तक पूरा नहीं होता तब तक कैसे काम करेंगे। हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, ना हम लोग को मोबाइल मिला हुआ है, ना नेट का पैसा मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। 8-8 घंटा ड्यूटी करेंगे, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ड्यूटी कर लेंगे, सुविधा नहीं है। हम लोग को सारी सुविधा दी जाए, हम लोग को समान वेतन समान काम दिया जाए और हम लोग करने के लिए तैयार है। फेस अटेंडेंस हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मिलने के लिए आए सिविल सर्वेंट है, क्या कुछ हुआ? कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं कहे, वो उन्होंने कहा कि जो वो आप लोग समझिए जो बहाली किया उसे लीजिए, मेरा काम है काम करवाना। देखिए ये लोग संविदा कर्मी है और आज सदर अस्पताल में पहुंचे हैं सिविल सर्जन से मिलने के लिए अपनी मांगों को लेकर। इन लोगों का कहना है कि देखिए अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जो सोमवार है तो सोमवार से सभी काम को कहीं ठप करेंगे। यह तस्वीर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल कैंपस और यहाँ पर सिविल सर्जन के कार्यालय से बाहर निकल कर ये सभी लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।